हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जयास फूड पैलेस। आज मैं आपके साथ चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ और इसका इंग्रेडिएंट्स मैंने नीचे दिया हुआ है। अब हमें एक कुकर लेना है और इसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल डाला है। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें बासमती राइस 1.5 कप लिया था, उसे धो करके 15 मिनट पानी निकाल कर रखा था, इसे भी डालना है। और इसमें 1.5 कप पानी डालना है। इसी कप के मेजरमेंट से मैंने राइस भी लिया था। अब 1 टीस्पून सॉल्ट डालना है और 1 स्टॉक डालना है और इसे अब अच्छी तरह से मिलाना है, मिक्स करके। अब ये मिक्स होने के बाद हमें 1/2 लेमन डालना है, लेमन जूस, और लिड क्लोज करके हमें 1 विसल लेना है हाई गैस पे। अब मैंने 250 ग्राम्स चिकन लिया है बोनलेस। इसमें 1 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर और 1 स्पून सोया सॉस और थोड़ा नमक डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसे 15 मिनट के लिए मैरिनेशन के लिए रखना है। अब ये राइस बन चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छा बना है। अब मैं इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करूंगी ताकि एक दूसरे से ना चिपके। अब हमें इस राइस को एक बड़ी प्लेट के ऊपर स्प्रेड करके इस तरह से डाल के रखना है ताकि ये एक दूसरे से ना चिपके और खिला खिला रहे। अब हमें एक पैन लेना है और इसमें 2 या 3 स्पून ऑयल डालना है और जो मैरिनेट करके रखा था वो बोनलेस पीस को हमें शैलो फ्राई करना है। इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है। अब मैंने 2 एग लिया है और इसमें अब थोड़ा सॉल्ट डालकर इसे अच्छी तरह से बीट करना है। अब हमें एक पैन में ऑयल डालकर इसमें एग डालना है जो बीट करके रखा था और उसे अच्छी तरह से स्क्रैम्बल करना है। अब ये चिकन गोल्डन ब्राउन बन गया है, इसे थोड़ा साइड करके और 1-2-3 स्पून ऑयल डालना है। और इसमें हमें जो गार्लिक चॉप करके रखा था 1/2 स्पून वो डालना है, जिंजर डालना है और ग्रीन चिली 2 काट के रखा था उसे भी डालना है और 1-2 मिनट के लिए इसे फ्राई करना है। और अब हमें इसमें स्प्रिंग अनियन व्हाइट पार्ट वो डालकर उसे भी थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। अब ग्रीन पीस 1/2 बाउल,
ग्रीन पीस, हाफ बॉल बीन्स, कैरेट और कैप्सिकम, ये सब वेजिटेबल्स डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, वो क्रंची रहना है वेजिटेबल्स। अब हमें इसमें एक स्पून सोया सॉस डालना है। एक स्पून ग्रीन चिल्ली सॉस डालना है। और थोड़ा सॉल्ट डालना है। ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन ग्रीन्स डालना है। और थोड़ा विनेगर डालना है। और ये सब डाल के हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। अब हमें ये बासमती राइस जो बना कर रखा था इसे डालना है। आप चाहिए तो नॉर्मल राइस भी यूज कर सकते हैं। और स्क्रैम्बल्ड एग डालना है। थोड़ा ब्लैक पेपर क्रश करके डालना और स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स डालना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ज़्यादा मिक्स नहीं करना क्योंकि ये ग्रेन्स टूट जाएगा। धीरे से मिक्स करना है। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। आप देख सकते हो ये कितना अच्छा बना है। यमी चिकन फ्राइड राइस इज रेडी टू बी सर्व। आप इसे टमेटो सॉस से भी खा सकते हैं। आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।